उत्तर प्रदेश में खूब पसीना बहाया गया, 50 से 51 सीटें कम होना, कहां 300 पार की बात आप कर रहे थे, तो 2024 पर इसका भी असर होगा क्या, इस पर भी मंथन बीजेपी करेगी? निश्चित रूप से जो भी चुनाव परिणाम है, जनता का जो जनादेश है वो शिरोधार्य है, लेकिन जब हम इसका आकलन करते हैं तो हमें उत्तर प्रदेश की जनता की राजनीतिक नब्ज को भी देखना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की जनता राजनीतिक रूप से इतनी संजीदा है कि कोई भी राजनीतिक दल को वो समर्थन तो देती है, लेकिन उसकी छोटी सी भी गलती पर 5 साल के बाद उसे कान पकड़ के बाहर निकाल देती है। ये उत्तर प्रदेश की जनता का राजनीतिक रिकॉर्ड रहा है। तो हमने उस उत्तर प्रदेश में जहां की जनता इतनी संजीदा है उसकी कसौटी पर उस वक्त हम खड़े उतरे हैं जब हमने 100 साल की सबसे बड़ी बीमारी को झेला है, जब हमारा रेवेन्यू मिनिमम था, हमने जो स्कीम चलाई, जो जनता की सेवा की है वो मैक्सिमम की है। मतलब विपरीत परिस्थितियों में भी भारतीय जनता पार्टी ने इतना बेहतर जो परिणाम दिया है उसी का ये परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत के साथ आई है। निश्चित रूप से आगे बढ़ने के लिए जो भी संभव है हम करेंगे, और MLC का चुनाव होना है, मंत्रिमंडल बने इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने बैठकर MLC के जो चुनाव होने वाले हैं, जो लोकल बॉडीज का जो इलेक्शन है उसके लिए हमने कमर कस ली है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 365 दिन और 2400 घंटे काम करने वाला राजनीतिक दल है, जो भी स्थितियां हैं। और रही बात दलित वोटों के लिए जो अभी विश्लेषण हो रहा था, कोई भी वोट, कोई भी वर्ग एकाएक किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ता है। उत्तर प्रदेश में दलित नेतृत्व के लिए भारतीय जनता पार्टी की संवेदनशीलता आप देखिए, दशकों से भारतीय जनता पार्टी ने दलितों के लिए किया और समाजवादी पार्टी दलितों के खिलाफ रही। मायावती को जब मुख्यमंत्री बनाने की बात थी तो हमने देखा है कि कैसे मायावती पर स्टेट गेस्ट हाउस में ले जाकर उनकी हत्या का प्रयास। संजय चौधरी साहब, आपकी वॉइस ब्रेक हो गई है, बीच में मैं दोबारा आऊंगी। और सत्येंद्र यादव जी, मैं आपके पास आ रही हूं। सत्येंद्र यादव जी, कैसे मुकाबला कीजिएगा? राजीव रंजन, मैं और मेरे तमाम सहयोगी देख रहे थे कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जीत के लिए, साथियों को भी ले आए, जितने एक्सपेरिमेंट हो सकते थे वो सब किए, लेकिन उसके बावजूद भी आप जीत दर्ज नहीं कर पाए। और उधर देखिए, बीजेपी अपनी इसी जीत के सारे 2024 का एक्शन प्लान बनाने में जुट गई है, तमाम नेता, प्रधानमंत्री समेत। तो कैसे मुकाबला कीजिएगा, क्या रणनीति रहेगी अब समाजवादी पार्टी के आगे? और मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगी, मैं ये जानती हूं कि आपकी सीट भी बड़ी है, वोट परसेंटेज भी बड़ा है, इसमें अखिलेश यादव का हमने बयान भी सुना था, लेकिन फिर भी जीत मायने रखती है। सत्येंद्र जी, आपका बहुत धन्यवाद इसके लिए। पहले ऐसा होता था कि किसी भी राज्य या किसी भी देश में जो सरकारें आती थी वो भ्रष्टाचार करती थी, धन लूटती थी, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है हिंदुस्तान में और उत्तर प्रदेश में कि सीधा सीधा जो जनमत है उस जनमत को ही लूट लिया गया। अब तो सरकार धन भी लूटेगी, बड़ी संख्या में गरीब तैयार करेगी, बड़ी संख्या में बेरोजगार तैयार करेगी और बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश को भारी तादाद में कमजोर करेगी, ताकि लोग आके चने पर, गेहूं पर, राशन पर आके टिक जाएं और उसके बाद प्रधानमंत्री जी को मसीहा के रूप में तैयार किया जाए और वो आके हाथ हिला दें और वहां से भारतीय जनता पार्टी का साम्राज्यवाद की घोषणा हो जाए। ये सोचने वाली बात है। अगर समाजवादी पार्टी अगर भारतीय जनता पार्टी को नहीं रोक पाई तो याद रखना ये इस देश में साम्राज्यवाद की स्थापना हो जाएगी। इसलिए समाजवादी पार्टी की जो उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही थी, ये जनमत की जो लूट हुई है, पूरे देश को सोचना होगा, पूरे विपक्ष को सोचना होगा। 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में जिस तकनीकी से जनमत का हरण कर रही है, इसको सोचना होगा। और दबाव बनाकर जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी का इन्होंने वोट ट्रांसफर किया है, जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं पर इन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया है, जिस तरह से सारे तंत्रों को इन्होंने अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया है, सीधी सी बात है, 2024 के लिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की जनमत की लूट का जो डंका बजा रही है पूरे देश में, हम तैयार हो चुके हैं, सड़क पर जाएंगे। लेकिन मोदी और योगी जी ने तो कहा कि मोहर पर, वो विकास पर मोहर लगाई है,
और आगे भी विकास पर ही मोहर जनता लगाई। ठीक है, आपने कई सवाल उठाए, संजय चौधरी साहब से मैं जवाब लूंगी। तो उत्तर प्रदेश में मिली बड़ी जीत के बाद बीजेपी 2024 का एक्शन प्लान बनाना भी उसने शुरू कर दिया है। 24 के मोहरे क्या क्या होंगे उसी पर हम बात भी कर रहे हैं, साथ ही विपक्ष की भूमिका क्या होगी। संजय माफ कीजिएगा राजीव, मैं आपके पास आ रही हूं एक बार फिर से। राजीव, मैं जरा विपक्ष की भूमिका भी समझना चाह रही हूं कि चलिए ठीक है, इतना बड़ा बीजेपी ने मैंडेट मिला क्योंकि उन्होंने मेहनत की, लेकिन मेहनत तो विपक्ष ने भी खूब की, कांग्रेस ने भी की, समाजवादी पार्टी ने भी खूब की, तो जो तमाम चालें विपक्ष की थी वो कहां फेल हो गई, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर विपक्ष नेतृत्व इस तरीके से कमजोर रहा तो 24 में फिर कैसे मुकाबला करेगा। देखिए, यह विधानसभा का चुनाव था विपनेश, और मेरी समझ से अखिलेश यादव जितना अच्छा प्रदर्शन कर सकते थे या जितना वो सोचते रहे होंगे कि उन्हें इतना वोट मिल जाए या इतना प्रतिशत मिल जाए, जो आमतौर पर पार्टियां प्रतिशत पे ज़्यादा सोचती हैं, सीट में उसके बाद सोचती है कन्वर्ट हो ही जाएगा, तो 32% मत के बारे में अखिलेश यादव ज़्यादा से ज़्यादा सोच सकते थे, उतने मत उनको मिले, सीटें जो मिली नहीं मिली, उसके बहुत सारे कारण सीटों के होते हैं, आपको भी पता है और चुनावी नतीजे बता भी रहे हैं। लेकिन सवाल ये है ना कि जब गिलक्रिस्ट और सचिन तेंदुलकर जैसे बल्लेबाज क्रीज पर दोनों तरफ हो, मोदी योगी हो, तो एक बॉलर क्या कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ओवर में वो रन बचा सकता है कि ये छक्के चौके न पड़े, तो अखिलेश यादव ज़्यादा से ज़्यादा रन बचा सकते थे, लेकिन जब ये दोनों बल्लेबाज दूसरे गेंदबाज का इंतज़ार करते रहे और 6 बॉल पे 6 छक्के मार दें, तो फिर दूसरा गेंदबाज कैसे अपनी टीम की हार को बचा सकता है। ठीक इसी तरह से जिस तरीके से 9% BSP का वोट और 3% कांग्रेस का वोट बीजेपी ने छक्का मार के ले गई, इसका अंदाज़ा अखिलेश यादव को भी नहीं था और वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। मैं मानता हूँ कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी जो सबसे अच्छा प्रदर्शन कर सकती थी वो इस चुनाव में की, और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए ये नाकाफी है। दूसरा बड़ा चैलेंज अगर समाजवादी पार्टी के तौर पर देखिए, कांग्रेस के तौर पर देखिए, BSP के तौर पर देखिए, तो मुझे लगता है कि अगले चुनाव में BSP के टिकटों के लिए जो मारामारी होती थी और तमाम किस्से कहानियाँ जो आप सुनते थे, मुझे नहीं लगता कि BSP के टिकट पर चुनाव लड़ने की ऐसी कोई अभी आज की स्थिति में। और कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव होगा तो कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में क्या देखने को मिलेगा, क्या जो जमीन प्रियंका गांधी ने तैयार की है वही वोट प्रतिशत या वही मोदी विरोध के जो वोट हैं वो कांग्रेस पार्टी की तरफ लोकसभा में शिफ्ट होंगे क्योंकि वो राष्ट्रीय पार्टी है। ये इसका एक चीज़ ये देखने वाली होगी कि क्या प्रियंका गांधी ने 24 के लिए अपनी पार्टी के लिए, क्योंकि ये चुनाव तो विधानसभा का था, तो राष्ट्रीय विकल्प के तौर पर निश्चित तौर पर अगर उन वोटरों ने कांग्रेस को देखा तो उनका कुछ ग्राफ घटता है बढ़ता है, ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन 24 का चुनाव, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो मेन मुद्दा है वो चेहरे का है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के सामने अभी फिलहाल मैं तो कहता हूँ कि नंबर ही उनके बाद से शुरू होते हैं, 1, 2, 3 आपस में डिसाइड कर ले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उससे बहुत ऊपर है। सही कह रहे हैं राजीव, और इसीलिए विपक्ष को अब अपना नेतृत्व मजबूत करना होगा, एक नए सिरे से सोचना होगा कि सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, कैसे मुकाबला करना है। मैं एक बार फिर से तुम आपके पास आ रही हूँ यहाँ पर मानस, सवाल ये है कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं और ये संभावित मंत्रियों के चेहरे भी हम दिखा रहे हैं, यानी कि मंत्रिमंडल में हर जाति से एक चेहरा होगा और ना सिर्फ वो उत्तर प्रदेश में असर करेगा बल्कि देश में करेगा, हर वर्ग को लुभाने की कोशिश की जाएगी एक्शन प्लान में, राइट मानस? जी देखिए, बिल्कुल सभी जातियों को और सभी क्षेत्र के लोगों को इसमें निश्चित तौर पर हिस्सेदारी मिलेगी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा संख्या होने वाली है वो पिछड़ों और दलितों की है, यानी पिछड़े और दलित वर्ग से जो लोग विधायक बन के आए हैं उनकी तादाद आप देखेंगे कि मंत्रिमंडल में सबसे ज़्यादा होगी। और उसकी पीछे एक बड़ी वजह भी है कि जिस तरीके से दलितों ने खासतौर से वोट किया, भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका झुकाव बढ़ा, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपने इस वोट बैंक को जो धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते शिफ्ट हुआ BSP से भारतीय जनता पार्टी की तरफ, वो उसको खोना नहीं चाहती है, इसलिए अपने मंत्रिमंडल में वो दिखाने की पुरजोर कोशिश करेगी कि उसने दलितों को बहुत बड़ा सम्मान दिया, जो उचित सम्मान जिसके वो हकदार थे उससे भी कहीं ज़्यादा दिया। पिछला वोट बैंक चूंकि उत्तर प्रदेश में बहुत मायने रखता है और वो लगातार इंटैक्ट है भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो आप देखेंगे कि पिछले वर्ग के भी तमाम चेहरों को, जो बड़े चेहरे हैं उनको भी आप देखेंगे कि मंत्रिमंडल में स्थान मिलेगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि केशव प्रसाद मौर्य
सिसोदिया अभी भी डिप्टी सीएम के तौर पर एक नाम है, क्योंकि वो पिछड़ों के एक बड़े नेता हैं। भले ही वो चुनाव हार गए, लेकिन बतौर एमएलसी का कार्यकाल अभी बाकी है, तो उनको भी मौका मिल सकता है और वो पिछड़ों के बड़े नेता है। तो दलित और पिछड़ा आप देखेंगे सबसे बड़ी संख्या इनकी मंत्रिमंडल में होगी। इसके अलावा आप देखेंगे कि ब्राह्मण इसके बाद तीसरे नंबर पर होंगे, जिनको सबसे ज़्यादा स्थान मिलेगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ठाकुर हैं, वैश्य हैं, कायस्थ हैं, तमाम अलग अलग जातियों को समाहित किया जाएगा। लेकिन जो मैं बार बार कह रहा हूं कि 2024 को ध्यान में रखते हुए इस मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा, क्योंकि जो बात राजीव पहले कह रहे थे कि जिस तरीके से पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटी, उसके बाद अब उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें सीटें घटी, तो इसको भी ध्यान में रखकर के भारतीय जनता पार्टी इस मंत्रिमंडल का गठन करेगी और प्रयास करेगी कि सभी जातियों को इसमें समाहित किया जा सके, हर क्षेत्र के लोगों को इसमें स्थान मिल सके और उसके बाद इस टीम के सहारे और योगी और मोदी के नाम के सहारे उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा सीटें दिलाने की एक बार फिर से कोशिश करेगी उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव में।